नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। RRB NTPC CBT 2 के लिए मैं यहाँ पर रोज़ाना जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस सेट कराता हूँ और ये आज CBT 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम जो है वो अब टल चुका है। मे बी एंड ऑफ मार्च या फिर फर्स्ट ऑफ अप्रैल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। इसके लिए आपको चाहिए रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट, तो आप इसे प्रैक्टिस सेट को एक तरीके से सॉल्व करिए और चेकआउट करिए आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है और कितना कुछ अच्छा आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस प्रैक्टिस सेट में जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे आने की भी काफ़ी सारी संभावनाएँ हैं। ऐसे में ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, तो आप इस पूरे प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, इसका आंसर आपको करना है। तो देखिए, यहाँ पर स्वर की बात करें तो ये कुल कितने होते हैं, 12। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो कृषि उत्पादन के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया, कृषि में यांत्रिकरण, उर्वरक में प्रयोग में बढ़ोतरी और सिंचाई क्षमता में विस्तार, तो इन सभी चीज़ों से तो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन जंगल काटना कोई भी बुद्धिमानी का काम नहीं है, इससे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में कोई उपयोगिता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा खारा पानी किस सागर का होता है, इसका आंसर आपको करना है। तो देखिए, इन सभी में से जो सबसे ज़्यादा खारा पानी होता है वो मृत सागर का है होता है, जिसे हम डेड सी के नाम से भी जानते हैं। ये आपको इज़राइल के समीप में आपको मिलेगा, आप इसे मैप में भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे पूछा गया है कि IPL किस खेल से संबंधित है, और इसे तो आपका आंसर करेक्ट होना ही चाहिए, क्रिकेट से संबंधित ये प्रश्न है और आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट से संबंधित जो भी टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वो IPL हो या फिर जो भी T20 मैच होते हैं और या फिर वर्ल्ड कप होते हैं, उनमें जिनको भी सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो क्रिकेट से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अधिकारों की घोषणा कब की गई थी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन UN, जिसका हेडक्वार्टर Washington DC में, आपको पता है, तो मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी, तो ये जो थी वो 10 दिसंबर 1948 में की गई थी, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था। ठीक है, इसका आंसर आप करिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देखिए यहाँ पर कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये दो ऐसे स्टेट थे जहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है, भारत का जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था वो किससे संबंधित है, उसका आंसर आपको करना है। तो ये जो है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है और सबसे पहली बार राजस्थान में इसे लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है, अस्पृश्यता की समाप्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई थी, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मार्को पोलो कौन था, इसका आंसर आपको करना है। देखिए मैं बताता हूँ कि मार्को पोलो कौन था, आप क्या इसका आंसर जानते हैं, एक मिनट जस्ट जी। तो मार्को पोलो कौन था, इसमें आपको पता होना चाहिए कि वो क्या था, एक अन्वेषक था। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न में, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र क्या था, है ना, भारतीय समाचार पत्र की बात की गई है जो पहली बार प्रकाशित किया गया था, तो देखिए वो था बंगाल गजट। ठीक है, जो कि इसे बंगाल में प्रसारित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण, जैसे कि हम मेट्रो की बात करते हैं तो मेट्रो ट्रेन जो होती हैं वो भूमिगत रेलवे होती हैं, जो अब हमारे इंडिया में पहले कोलकाता में सबसे पहले चली थी, फिर दिल्ली वगैरह मुंबई में भी चली थी। अब जो है ये पूछा गया कि दुनिया में सबसे पहले कब चला था और कहाँ पे चला था, तो देखिए ये लंदन में सबसे पहली बार
भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था, तो अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया था? तो देखिए, वो नागासाकी और हिरोशिमा दो जगहों पर गिराया था परमाणु बम। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, और इस तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था वो ख़त्म हुआ था। काफ़ी ज़्यादा भयावह था, इसलिए ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे है कि नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका आपको आंसर करना है। तो देखिए, नागरिक सुरक्षा संगठन की जो स्थापना है वो 1962 में हुई थी, आप इसे याद रखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, तो बच्चों के कल्याण के लिए ध्यान में रखने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वो कौन है? यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड होता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षिण यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क, जिसे हम SAARC के नाम से जानते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, तो साउथ एशिया के जितने भी कंट्री हैं वो सभी इसमें शामिल है। इसमें म्यांमार शामिल नहीं है, आपको इसे याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का उचित अनुपात क्या होता है? तो हमारा जो भारत तिरंगा है, झंडा है, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई की जो रेशियो होती है वो पूरी की पूरी 3:2 होती है, ऑप्शन नंबर 2 आपको करेक्ट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले बार RRB NTPC के एग्जाम में पूछा गया था जब योजना आयोग था। आपको पता होना चाहिए कि 2014 से योजना आयोग को ख़त्म करके उसके जगह पे नीति आयोग बना दिया गया था। ठीक है, 2014 में 1 जनवरी को नीति आयोग स्थापित की गई थी, और आपको पता होगा कि जिस तरीके से योजना आयोग का जो अध्यक्ष परमानेंटली अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, वैसे ही नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो इस क्वेश्चन के जगह पे अब आपको पूछना चाहिए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस टाइम पे कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में मुझे करिएगा कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है, क्योंकि अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, तो नरेंद्र मोदी होगा, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है इस टाइम पर, आप मुझे इसका आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो देखिए, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है, और इस वजह से भारत के ज़्यादातर जो स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, वो बंगाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो मणिपुर है वो यहाँ पे साझा नहीं करता, बाकी मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, वर्तमान में अंकुर वाट स्थित है, तो देखिए अंकुर वाट जो है अभी के टाइम पर कहाँ पे है? कंबोडिया में, कंपूचिया में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था? तो मध्य युग में भारत में कन्नौज पर शासन करने वाले गुर्जर प्रतिहार थे, आपको 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है ना, तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में इस बार भी ये NTPC के CBT 1 में ये प्रश्न पूछा गया था, आपने अगर दिया होगा पेपर तो पता होगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो बृहदेश्वर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो शाहनामा जो है वो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है, सुमेलित है किसका सही मिलान किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है, तो जी बिल्कुल, ये पहला ही सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्थाई बंदोबस्त की स्थापना की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक और सती प्रथा कांत और ये सहायक संधि, ये मिलान जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा जंतु लुप्त प्राय है, इसका आंसर करना है आपको, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीता, तेंदुआ और ऊपर की तरफ में ये बाघ और शेर। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, जो भी स्टूडेंट इसका सही सही जवाब देंगे उनका मैं नाम अपने आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कौन से स्टूडेंट का सबसे सही आंसर आया हुआ है। तो चलिए, ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।